हेलो दोस्तों, ये देखिए आज मैं आप सबके साथ ये पफ फ्लावर बनाना शेयर करूंगी कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। और ये मैंने बाल गोपाल जी की एक ड्रेस के लिए बनाए हैं जो मैं आपके साथ अभी जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। और इन फ्लावर्स को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए टोपी, कोटी, स्वेटर या कोई भी तोरण वगैरह भी बना सकते हैं आप इन फ्लावर्स को यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्लाई की ऊन ली है और ये 6 नंबर का क्रोशिया लिया है, 3.5 mm का। वैसे तो इसमें 3 mm का क्रोशिया भी चल जाएगा, लेकिन ये पफ फ्लावर में थोड़ी सी फैलावट अच्छी आए उसके लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा लेते हैं और इसके बाद हमें 6 चेन बना लेनी है। ये देखिए स्लिप नॉट हमारी लग गई है, अब हम 6 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और फर्स्ट चेन में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है और एक रिंग बना लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपको एक ये रिंग नज़र आ रहा होगा छोटा सा। अब हमें इसी के अंदर अपना फ्लावर बनाना है। शुरुआत करते हैं 4 चेन के साथ। ये देखिए हमने 4 चेन बना ली। अब हमें धागा चढ़ाना है क्रोशिया पे और इसको अंगूठे से पकड़ लेना है, फिर इस रिंग में एंटर करेंगे और धागा बाहर ले आएंगे। इस धागे को हमें पूरे अच्छे से खींचना है और इस 4 चेन के बराबर की लेंथ कर लेनी है, पूरी 4 चेन के बराबर की लेंथ कर लेनी है खींच के। फिर यहाँ पे अंगूठा हमें रखना है और धागा चढ़ाना है, इस धागे को भी अंगूठे से पकड़ लेंगे, फिर से अंदर से धागा लेंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइम है जब हमने धागा लिया है, फिर से इसको खींच के चेन के बराबर कर लेंगे और अंगूठे से पकड़ लेंगे। फिर धागा लेना है, अंगूठे से पकड़ लेना है, फिर से एंटर करेंगे और बाहर निकाल के इसको खींच लेंगे। 3 बार हो गया, फिर से अंगूठे से पकड़ेंगे धागे को और फोर्थ टाइम निकाल के इसको खींच लेंगे धागे को, फिर से अंगूठे से पकड़ लेंगे और फिफ्थ टाइम भी बाहर निकाल लेंगे। लेंथ ये देखिए हमें चेन्स के बराबर ही रखनी है, फिर से 1 बार और 6, ये हमने 6 बार ले लिया है। अंगूठे से हमें बार बार इसलिए पकड़ना है ताकि जो हमारा धागा है वो छोटा ना पड़े। और अब धागा चढ़ा के इन सब में से एक साथ बाहर निकाल लेंगे। अब इसको बंद करना है हमें एक चेन बना के, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पफ तैयार है, फूला फूला सा। अब हमें 4 की चेन बना के, जैसे हमने शुरू में 4 चेन बनाई थी ऐसे ही अब दोबारा से 4 चेन बना के और रिंग में स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए तो ये इस तरह से हमारी एक पेटल तैयार है। अब इसी रिंग में हमें ऐसे ही 4 पेटल और बनानी है। तो फिर से हम 4 की चेन लेंगे, 4, और फिर से हमें 6 बारी धागा बराबर लेंथ का लेना है। एक बार धागा चढ़ाया, रिंग में से एंटर किया, बाहर निकाल लिया 1, फिर से अंगूठा रखा 2, फिर से अंगूठा रखा 3, फिर से अंगूठा रखा 4, फिर से अंगूठे के नीचे दबाया 5, फिर से अंगूठे के नीचे दबाया और 6। ये देखिए 6 बारी हमने धागा ले लिया। अब धागा 1 बारी सबसे बाहर और 1 चेन इस तरह से बंद हो गया। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4, और रिंग में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए तो ये हमारी 2 पेटल बन गई हैं। अब थर्ड पेटल, 2, 3, 4, फिर से 4 चेन और धागा चढ़ा के अंगूठे से हमें धागा हमेशा दबा के रखना है ताकि हमारा जो ये लंबाई है कम ना रहे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बाहर निकाल दिया और इसको लॉक कर दिया एक चेन बना के। अब फिर से 4 चेन बनानी है और रिंग में लाके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए 3 चेन बन गई 4 चेन के लिए, 2, 3, 4। तो इसी तरह से हमें ये 3 पेटल बन गई हैं। 2 पेटल मैं और बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी 5 पेटल बना ली हैं और अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के लिए यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और फिर इस थ्रेड को काट देंगे, काट के और खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी पफ फ्लावर रेडी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना फ्लावटी वाला फ्लावर होता है ये, फूला फूला। ये देखिए इसमें पफ बने हुए हैं, इसीलिए इसको पफ स्टिच फ्लावर बोलते हैं। और ये पीछे का थ्रेड मैं जानबूझ के छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे जो बाल गोपाल जी की ड्रेस बनानी है उसमें फिर ये स्टिच करने के काम आएगा। और इस पर आप चाहें जैसे मर्जी मोती लगा लीजिए, कोई बूटी लगा लीजिए बारीक वाली जो आती हैं। ये देखिए मैं आपको अभी ऐसे ही रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे स्टोन लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, या कोई छोटी सी बूटी जो आती है वो भी लगा सकते हैं। मैं इसमें बूटी लगाने वाली हूँ, वो मैं जब बाल गोपाल जी की ड्रेस बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। अभी यहाँ पर मैंने ये स्टोन आपको वैसे ही रख के दिखाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो कैसी लगी आपको ये फ्लावर की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगते हैं, आप इनको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और नए फ्लावर का डिज़ाइन लेके।